आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के अवसर पर रविवार को भागलपुर समेत देश भर में वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान से कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। शारदीय नवरात्र को लेकर भागलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडाल में विधि विधान से नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही रविवार की सुबह से ही विभिन्न दुर्गा मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार और दुर्गा सप्तशती पाठ की ध्वनि से शहर में माहौल भक्तिमय हो गया। शहर के मुंदीचक स्थित माता वैष्णो देवी दरबार, गढ़िया दुर्गा मंदिर, प्रधान डाकघर दुर्गा मंदिर, कचहरी चौक, बीकनपुर, मिश्रा टोला दुर्गा मंदिर, मिर्जानहाट दुर्गा मंदिर और सिकंदरपुर दिनेश्वर धाम समेत शहर एवं जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी आस्था और उत्साह के साथ कलश स्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। वहीं तमाम मंदिरों और पूजा पंडाल में माँ महिषासुर मर्दनी के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा के दौरान मंदिर के पुजारी और भक्तों ने धूप दीप, फल फूल और पूजन सामग्री से माता की पूजा कर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। एक ओर जहां देश भर में हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्र को लेकर उत्साह का माहौल है, वहीं देवी दुर्गा की पूजा और आराधना को लेकर शहर में जगह जगह दुर्गा मंदिरों में चल रहे सप्तशती के संपुट पाठ और भक्ति गीतों से पूरा शहर गुंजायमान है। इधर नवरात्रि को लेकर शहर के सभी दुर्गा मंदिरों में पंडाल निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन रोड स्थित सुखराज राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक युवती का शव बरामद हुआ है। वहीं शव मिलने की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई, जिससे मौके पर स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई, जबकि पुलिस मृत युवती की शिनाख्त में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवती के कपाल पर एक गड्ढे नुमा जख्म के निशान हैं। वहीं घटना की सूचना पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। हालांकि लोगों की दबी जुबान से मामला प्रेम प्रसंग का होने की भी बात कही जा रही है, जबकि युवती के गले और हाथ में दुपट्टा का फंदा बंधा हुआ मिलने की बात कही जा रही है। वहीं इसको लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य रणवीर कुमार ने कहा कि विद्यालय परिसर में शव मिलने की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे और मृतक युवती का शव देखकर हैरान हो गए। साथ ही कहा कि विद्यालय में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और विद्यालय के दरवाजे को भी उन लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। मामले पर भागलपुर के सिटी SP अमित रंजन ने कहा कि सुखराज राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में बरामद मृतक युवती की पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, जबकि फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल को भी कलेक्ट कर लिया है। साथ ही कहा कि डॉग स्क्वाड की टीम को सूचना दे दी गई, जबकि पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आई है, मगर थाने के थाना इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं। इसकी सच्चाई जांच करेगी कानून। जो कानून क्या लगता है, किस क्या इसमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ की महिला का मर्डर हुआ है, मगर पुलिस आ गई है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जल्द मुजरिम को सामने ले आएगी। बाहर से लाके मारा गया है, इसकी जानकारी नहीं है कुछ। नाथनगर थाना अंतर्गत SR इंटर लेवल स्कूल में एक अज्ञात महिला की लाश मिली। सूचना मिलते ही SHO नाथनगर वहां पहुंचे और सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट किया गया। तुरंत डॉग स्क्वाड और FSL टीम को बुलाया गया और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज में शारदीय नवरात्र को लेकर अजगैबीनाथ धाम उत्तर वाहिनी गंगा तट पर रविवार को गंगा स्नान करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल नवरात्रि को लेकर उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्नान कर भक्तों ने गंगा जल उठाया। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के लिए जल उठाया, जबकि काफ़ी संख्या में भक्तों ने अलग अलग दुर्गा मंदिरों में पूजा और जलाभिषेक के पैदल यात्रा कर पूजा अर्चना की। बता दें कि बिहार एवं झारखंड सहित अन्य राज्य से भी अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट पर पहुंचे भक्तों ने डुबकी लगाई और बाबा अजगैबीनाथ की पूजा के बाद मां दुर्गा की पूजा के लिए तारापुर तेलडीहा स्थित हरिवंशपुर मां कृष्ण काली दरबार समेत अन्य अलग अलग दुर्गा मंदिरों के लिए पैदल रवाना हुए। बता दें कि अजगैबीनाथ धाम से 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु नवरात्र के दौरान शक्तिपीठ मां तेलडीहा दरबार पहुंचकर मंदिर में जलार्पण करते हैं। वहीं कई भक्त उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर अलग अलग माध्यमों से
तेलडिया शक्तिपीठ और बैजनाथ धाम रवाना हुए। इधर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं इसको लेकर सुल्तानगंज नगर परिषद द्वारा मंदिर परिसर सहित शहर के कई जगहों पर साफ सफाई भी कराई जा रही है। तेलडिया का पहला पूजा है, नवरात्रि आज से शुरू होगा, इसके लिए भक्तों का भीड़ है और दरभंगा मधुबनी जो है इसी में बाबा को जल चढ़ाते हैं, बाबा बैजनाथ को सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। आज के दिन जो है महत्वपूर्ण कार्य है, सबके लिए लाभदायक है, सबका कामना पूर्ण होते हैं। और आज प्रथम दिवस नवरात्रि का है, शैलपुत्री का आज पूजन होता है और नवरात्रि को सभी भक्तों को हमारे तरफ से धन्यवाद, आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण हो सभी का, ये सब चीज़ें हैं। और हम माता रानी से प्रार्थना यही करेंगे कि नवरात्रि शुभ शुभ हो। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सदर अस्पताल परिसर में बन रहे मॉडल अस्पताल भवन का शनिवार को जायजा लिया। इस दौरान सदर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिया और अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को आवश्यक सुविधा एवं स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की बात कही। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि 22,87,00,000 की लागत से सदर अस्पताल परिसर में 3 मंजिला मॉडल अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका 65% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस अस्पताल भवन में 105 बेड के साथ 8 आईसीयू बेड भी तैयार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए मॉडल अस्पताल भवन में 3 लिफ्ट लगाए जाएंगे, जबकि बिहार चिकित्सा एवं आधारभूत संरचना निगम के अभियंता और ठेकेदार को फरवरी 2024 तक अस्पताल निर्माण कार्य पूरा कर हैंडओवर कर देने का निर्देश भी डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दिया। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने हर सप्ताह में निर्माण कार्य की योजना बनाकर काम पूरा करने और प्रत्येक सप्ताह पूरा होने वाले निर्माण कार्य की जानकारी से पदाधिकारियों को अवगत कराने का भी निर्देश दिया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मेरा नाम धनंजय कुमार है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरे को पिछले तकरीबन 11 साल से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और उस बीच में अंग्रेजी दवा ले रहा था तो उसमें जो है काफ़ी तरह का परहेज़ बताया गया था, जैसे कि चावल, मीठा, आलू वगैरह कुछ भी नहीं खाने का। फिर मैंने YouTube पे एक बार वीडियो देखा जिससे कि मुझे लगा कि नहीं, मेरे को एक बार दिखाना चाहिए, बट फिर मैं यहाँ पे आया। उस समय मेरा जो है अंग्रेजी दवा चल रही थी मेरी और मेरा शुगर लेवल जो है खाना खाने के बाद जो है 230 था। इसके बाद मैंने सर को दिखाया और मेरा जो है सर का दवा लेने के बाद अभी मेरा शुगर जब से मैंने लेना शुरू किया तब से बिल्कुल ही नॉर्मल रहने लगा एक हफ्ता बाद से। और इसके बाद जो है अभी मैंने 5 महीना दवा खाया, 5 महीना दवा खाने के बाद अभी मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड असियाचक एवं भीरखुर पंचायत चौक के समीप स्थित मां दुर्गा मंदिर में सीने पर कलश रखकर पिछले 10 वर्षों से पंचायत के लोगों द्वारा मां दुर्गा के पूजा की परंपरा लगातार जारी है। वहीं इसको लेकर इस वर्ष भी असियाचक पंचायत के आर्मी जवान सुशांत कुमार और पीयूष कुमार और गाँव की रूबी देवी ने अपने मनोकामना पूर्ति के लिए सीने पर कलश रखकर 10 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्र की पूजा शुरू कर दी है। इसके अलावा दोनों पंचायत के हजारों भक्तों
भक्तों ने माँ दुर्गा के मंदिरों में पूजा के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। इसको लेकर दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष असियाचक पंचायत के मुखिया सदानंद कुमार और मंदिर के उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 33 वर्षों से नारदपुर माँ दुर्गा मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों से सीने पर कलश लेकर भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए देवी दुर्गा की आराधना करते हैं और यहाँ पर सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बहुत अच्छा मत है, यहाँ का जो भी कलश देता है बहुत अच्छा रहता है। 10 साल से यहाँ कलश देता है सब कोई, हम भी लिए हैं, हम भी 4 साल लिए हैं, उसके बाद दीदी है, दीदी 3 साल से लिया है, यूज है। दुर्गा पूजा समारोह को लेकर भागलपुर के जगदीशपुर थाना में शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष अमित कुमार ने की। इस दौरान इलाके के सभी जनप्रतिनिधि एवं दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों ने बैठक में शामिल होकर अपनी बात रखी। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा मेला के दौरान रोड के किनारे कोई भी दुकान नहीं लगाने, मेला में मंचलों पर नजर रखने और शराब पीने वालों पर विशेष नजर रखने की बात कही गई। साथ ही थानाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या या संदेह होने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, जिससे समय रहते उस पर नियंत्रण किया जा सके। मौके पर भवानीपुर देसरी और सोनली पंचायत के मुखिया के अलावा कई लोग मौजूद थे।